दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो पैरापिट बॉल रहती है उसका डिज़ाइन भी आपको दिखाऊंगा। दो तीन किस्म के डिज़ाइन रहेंगे जो आप सिंपल और सस्ते डिज़ाइन रहते हैं वो आप अपने घर पे बना सकते हो। और आज इस वीडियो में बात करूंगा कैसे उसका लेबर रेट चल रहा है कि अगर आपको पैरापिट बॉल बनानी है 1000 स्क्वायर फीट का, 2000 स्क्वायर फीट का, अगर उस पर 3 फीट की हाइट हमें रखनी होती है उस पर कितना खर्चा आएगा, लेबर रेट क्या पड़ेगा और बनाते समय क्या ध्यान देना है। देखो रेट से ही शुरू करता हूँ। तो एक हम पकड़ लेते हैं 20 फुट हमारी ऐसी है छत, ठीक है, और 50 फुट ऐसा है हमारा छत, ठीक है। तो इसमें हमें रेलिंग करनी वो करनी है, पैरापिट बॉल बनानी है और बीच में हमने डिज़ाइन दे देना है कोई भी। 20 20, ये 20 फुट, ये 20 फुट, ये 50 फुट, ये 50 फुट, इन सबको क्या करना है आपको पहले प्लस कर लेना। जब आपने प्लस कर लिया तो आया 140 फुट, 140 रनिंग फुट, और हाइट हमने रखी है 3 फुट, और आपको 3 फुट ही रखने को ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, 2.5 से 3 फुट रख सकते हो। तो हमें स्क्वायर मीटर निकालना होता है क्योंकि रेट होता है इसका स्क्वायर मीटर में आता है, लेबर रेट में अभी बता रहा हूँ। तो 140 × 3 करेंगे 420, कितना हो गया 420, और रेट चल रहा है 14 रुपये 15 रुपये पर स्क्वायर फीट लगाने का रेलिंग। तो आ गया हमारा दोनों 420 को मल्टीप्लाई किया 16, 6720 रुपये हमारा लेबर रेट लग जाएगा उस रेलिंग को लगाने में। अब इसका ब्रिक का क्या होता है, ब्रिक आपकी है और जो बीच में ये पाइप्स यूज़ होती हैं इनका क्या है, ये केजी के हिसाब से आती हैं। जो बीच में डिज़ाइन आपने देखा स्टार्टिंग में भी, ये आपका केजी के हिसाब से आएगा। ये वाला ये आप लाओगे, इस समय रेट चल रहा है 90 से 100 रुपया केजी, मतलब जैसा भी आपको डिज़ाइन बनाना हो आप गूगल में देख सकते हो कहीं भी, तो 100 से 90 रुपये पर केजी वो आप लाओगे यहाँ फिक्स करके वो दे देगा। और जब इसको फिक्स करवाना है, मैं आगे बताऊंगा कैसे फिक्स करवाना है, तो वो सब चार्ज इसमें इंक्लूड है। 16 रुपये में आपको ब्रिक वर्क के जो पिलर भी बनाता है, फिक्स भी करता है और रेड ऑक्साइड मार के दे देगा। तो ये रेट इस हिसाब से चल रहा है। देखो अगर आप चाहते हो कि पैरापिट वॉल कंप्लीट वो बनाए, मतलब ब्रिक वर्क भी करे और प्लास्टर भी करे और जो बीच में ग्रिल आपको फिक्स करवानी है, उसका रेट चल रहा है 40 से 45 रुपये पर स्क्वायर फीट। और मैं बता दूं सिंपल डिज़ाइन, जैसे सामने आप सिंपल डिज़ाइन देख रहे हो, बीच में ब्रिक वर्क रहेगा, आपका एमएस का जो आप बना के ले आओगे वो फिक्स करके दे देगा। तो इसका 40 से 45 रुपये देना है सिर्फ ब्रिक वर्क को, और आपको बीच में जो पाइप फिक्स करनी है वो 16 से 20 रुपये आपको देना है, मतलब टोटल आपको ये लेबर रेट मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहली चीज़ है इंडियन स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड क्या कहता है, जो आपको मिनिमम और मैक्सिमम हाइट रखनी होती है। अगर हम बात करें 3 से 3.5 फीट आप उसको रखो, फीट में नहीं समझ आ रहा है, 900 से 1 मीटर तक आप रख सकते हो, 900 mm से 1 मीटर तक, तो वो सही रहता है, उसमें ऐसे ना आदमी कोई गिरेगा नीचे और बिल्कुल सेफ भी रहेगी। मेन चीज़ है ज़्यादा प्रोवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप कहो कि 1200 mm दे देंगे या 1300 तो फ़ायदा कोई नहीं है, उससे क्या होगा लोड ही बढ़ेगा, मतलब जो हमारा पैरापिट जो छज्जा निकला होता है हमारी स्लैब से 2 फीट या 2.5 फीट हम बाहर निकाली होती है स्लैब, ठीक है, उस पर हमारी पैरापिट बॉल आती है, तो उस पर जितना लोड डालेंगे उतना क्रीप, उतना क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप मेरे ख्याल में अगर 3 फीट या 3.5 फीट रखते हो तो बहुत हो जाती है, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम हाइट हमें पता चल गई। फिर थिकनेस की बात करते हैं, तो उसकी मोटाई कितनी रखनी है, तो मोटाई हम 9 इंच रखोगे तो सही है, क्योंकि उसमें 9 इंच से क्या होगा थोड़ा उसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी और उसका लोड तो पड़ेगा लेकिन इतना कोई दिक्कत नहीं है, 9 इंच रख सकते हो लेकिन उससे थोड़ा खर्चा बढ़ता है। तो लोग क्या करते हैं 4 इंच की रखने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छी भी दिखती है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी कि वो थोड़ा वाइब्रेट करेगी, मतलब जब भी उससे थोड़ा कोई लगेगा या उस पर खड़ा होगा या हवा चलेगी तो वो थोड़ी हिलेगी। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं पिलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपको पिलर देने हैं 9 से 10 फीट पे आपको पिलर देते जाने, उससे क्या होगा आपकी 4 इंच की दीवार भी रहेगी, ना हिलेगी, सेफ रहेगी, ना कोई उस पर अगर लोड धक्का देगा तो गिरने के चांसेस भी कम हो जाएगी। तो पिलर आप दे सकते हो 9 बाई 12 का पिलर दे, 9 इंच बाई 12 का पिलर दे दो हर 9 से 10 फीट पे। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। फिर बात आती है उसमें हमें जो मोटार यूज करनी है, उसमें जो प्लस्तर के लिए हम करते हैं, देखो काफी टाइप की पैरापिट वॉल देखने को मिलती है, आपने देखा होगा कहीं के बीच ग्रिल लगी है, कहीं पूरी सिंपल है मतलब पूरी ब्रिक वर्क से बनी है, कहीं वो बीच में ब्रिक वर्क ही है लेकिन डिजाइन बनाए गए हैं, जैसे इस पर वीडियोज भी है, सामने भी आप देख रहे हो 3-4 डिजाइन तो आपको सामने दिख गए। तो इसमें क्या है जो आपको प्लास्टर करना, अगर 9 इंच की आपकी पैरापिट बॉल है
तो उसमें आप 1:6 या उससे ज्यादा का प्लास्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 4 इंच की बनाने जा रहे हो, मतलब 4.5 इंच की जो हमारी पिरामिड वॉल रहेगी, उसमें 1:4 का बनाइए, क्योंकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, क्योंकि दीवार एक पतली है और अगर हम उसमें प्लास्टर कर देंगे थोड़ा वो सेट रहेगा। और जैसे ही हमारा प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है, तो प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उसको क्यूरिंग करनी है, मिनिमम 10 दिन क्यूरिंग आपको करनी है। मैंने मोस्टली देखा है लोग पैरापिट बॉल को क्यूरिंग नहीं करते हैं, तराई नहीं करते हैं, तो उसकी उतनी स्ट्रेंथ बन नहीं पाती है और क्रैक्स सबसे पहले वहां आते हैं। तो 10 दिन उसकी तराई करिए। फिर अगली चीज आती है जो हमारा पाइप फिट की जाती है, क्योंकि डिजाइन बन रहे हैं, एक पिलर रहेगा, दोनों साइड पिलर हैं, उनके बीच आपकी ग्रिल सेट की जाती है। और जो पिलर बनेंगे जिनके बीच ग्रिल सेट की जाने वाली है, 9 इंच बाय 13 इंच का पिलर आपको रखना है, बीच में ग्रिल फिट करो। और ग्रिल फिट जब करनी है आपको, जो डालनी है उसमें, तो वो आपकी 4 इंच से 6 इंच मिनिमम उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब 6 इंच पिलर के अंदर होनी चाहिए। और उसमें जो कॉन्क्रीट का ग्रेड आपको यूज करना है वो M20 ग्रेड यूज करना है, जिसका रहेगा 1:1.5:3 का माल बना के उसमें आपको फिक्स करना है, और उसको एक दिन तक उसको वैसे रहने देना है। तो उसकी 1-2 दिन बाद जब आप सपोर्ट खोलोगे, फिर अगला काम आपको करते जाना है। इसी के दौरान हमारा आता है क्लैडिंग का, मतलब देखो क्या होता है, पैरापिट बॉल जो है वो आपकी एक्सपोजर है, मतलब पूरी हवा उसमें, बारिश में होता है क्या, उसके ऊपर मिट्टी धूल जमती जाएगी, वो जब बारिश पड़ती है तो वो धूल वगैरह क्या होती है आपकी दीवारों पे आ जाती है। आपने देखा होगा मोस्टली घर पे पेंट जब हुआ होता है तो दीवारों पे निशान पड़ गए होते हैं पानी के, तो वो पानी के नहीं होते हैं, वो यही मिट्टी होती है, ऊपर धूल जमा हो जाती है और नीचे आ जाती है, क्योंकि प्लास्टर में थोड़े थोड़े दाना टाइप प्लास्टर रहता है, तो उसमें मिट्टी फंस जाती है और बारिश के कारण नीचे आती है। तो उससे राहत पाने के लिए उसको सही, और अगर हम ऊपर मार्बल भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रेनाइट, कोटा, टाइल, कुछ भी, तो अगर थोड़ा बजट ज्यादा आपका थोड़ा प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, ऊपर आप क्लैडिंग प्रोवाइड कर दो, मतलब कोपिंग ही बोल दो, ऊपर एक जैसे हमारी पैरामिड कंप्लीट होती है उसके ऊपर पूरे में हम मार्बल, ग्रेनाइट या कोटा टाइल कुछ भी उसमें लगा सकते हैं। इसका खर्चा आपका 80 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ सकता है। टाइल के साथ जाओगे तो सस्ता पड़ेगा, मार्बल या ग्रेनाइट के साथ जाओगे तो महंगा थोड़ा पड़ जाता है। तो आप इसको 100 रुपये पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलिए, तो इतना खर्चा आपको उसको प्रोवाइड करने में लग सकता है। ये क्लियर हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्रैक्स की तरफ। क्रैक्स की काफी ज्यादा दिक्कत आती है पैरापिट बॉल में। ये आती क्यों है, पहले इस चीज को समझो। देखो हर चीज में जो हमारा ब्रिक वर्क है या कंक्रीट है उसमें एक्सपेंशन होती है। जैसे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, ठंड या सर्दी जब होती है तो जो मटेरियल है वो सुकड़ता भी है और एक्सपेंड भी होता है। तो कंक्रीट का भी वो अलग है, प्लास्टर का अलग है, फिर हमारा ब्रिक वर्क का अलग है, तो वो अपने अपने हिसाब से सुकड़ते कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। एक तो दूसरी क्रैक्स इस कारण भी आते हैं कि जो आपको गैलरी में दिखते हैं, मतलब जो आपको जो आपका छज्जा निकला है उसमें दिखते हैं, वो होते हैं डेड लोड की वजह से। क्या होता है, लोड जब बढ़ जाता है, क्रीप सी मतलब होता है धीरे धीरे, वो आपका सरिया बेंड हो जाता है, उससे क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं। और जहां जब होता है गर्मियां आ जाती हैं काफी ज्यादा, तो अंदर का जो स्टील रहता है वो थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि एक्सपोज्ड एरिया में गर्म होगा तो उससे भी क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को काउंटर कैसे करना है आपको, इस चीज को काउंटर करना है आपको कि आप जहां तो RCC की अगर पैरापिट बॉल बनाते हो तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो स्लैब का सरिया होगा वो पहले ही बेंड करके रखा होगा, उसी से हमारी पैरापिट बॉल बनेगी, तो उसमें क्रैक्स नहीं आते, लेकिन वो थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। अगर क्रैक्स आ चुके हैं, उन क्रैक्स को भरिएगा कैसे, उनको भरो आप जो डॉक्टर फिक्सिट की एक्स पेस्ट आती है, मतलब एक श्रिंकेज फ्री पेस्ट होगी डॉक्टर फिक्सिट की, वो आप मार्केट से ले आइए, उसको फिल करिए, उसके ऊपर फिर से प्लास्टर आप कर सकते हो। जहां आप जब प्लास्टर कर रहे हो, जहां जहां जॉइंट्स हैं, जहां जहां मतलब कंक्रीट के साथ ब्रिक वर्क का जॉइंट बनता है, तो वहां पे आप जो मुर्गा जाली या चिकन मैश जिसे बोलते हैं वो लगा के उसके ऊपर प्लास्टर कर सकते हो। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो अप करोगे तो आपकी जो पैरापिट वॉल होगी वो सबसे बेस्ट बनेगी। मेन चीजें यही होती हैं, अगर इनको फॉलो अप करते जाते हो तो आपको हो सकता है। बाकी आप डिजाइन की बात कर रहे हो, सामने डिजाइन आप फॉलो कर सकते हो, और इनको ये नहीं है कि कमेंट्स आते हैं सर ये डिजाइन फॉलो कैसे करें आप समझाइए, तो आप एक बार मिस्त्री को दिखाओगे तो वो आपको वैसा डिजाइन बना के दे देंगे। और ग्रिलिंग जो ग्रिल रहती है उसके बीच की डिस्टेंस इतना रखिए कि बीच में से निकल ना पाए, आप पकड़ के चलिए 6 इंच आप बीच में डिस्टेंस रखिए दोनों के, 6 इंच से ज्यादा मत रखिए। बाकी इन डिज़ाइन को आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। और यही वीडियो थी आज की, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज और बेसिक नॉलेज आपको मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।